देखिए मैंने पानी बॉईल कर लिया है स्पैगेटी के लिए। अब इसमें मिला देंगे 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। बस वाली स्पैगेटी है फेटुसिनी अल्फ्रेडो, डाल देंगे सारे ऐसे। स्पैगेटी को तोड़ते नहीं हैं, ऐसे डालते हैं पूरी। देखें तो हो रहा है, इसको कवर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। मैंने 1/2 टेबल स्पून नमक ले लिया है, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च ले ली है, 1/2 टेबल स्पून जो है कुटी हुई मिर्च, और 1/2 टेबल स्पून ऑफ अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। देखें 1/2 टेबल स्पून 2.5 मिलीलीटर ये वाला। मैंने काली मिर्च थोड़ी सी कम ले ली तो क्वार्टर कर लें। इसी चिकन ली है, उसको छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं जो मैं स्पैगेटीज में डालूंगी। सारी चीज़ें मिला दें आप, इसमें मैरिनेट कर लेते हैं 5 मिनट के लिए। 1/2 टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस मिला देंगे, मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छी तरह। कैरेट, मिनी कट कैरेट्स, ये फ्रोज़न हुई हुई है, इसको मैं स्पैगेटी के साथ बॉईल करने के लिए रख दूँगी। रेडी टू यूज़ है, लेकिन मैं फिर भी इसको थोड़ा सा बॉईल करूँगी 5-10 मिनट के लिए। मैंने ये 1 शिमला मिर्च लिया, उसको थोड़े से क्यूब्स में काट लिया, और आधी प्याज ली है उसको काट लिया, और 2-3 जो है गार्लिक के क्लॉव जितने मुझसे छोटे हो सके उतने मैंने काट लिए। अब बनाते हैं स्पैगेटीज। मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, अब डाल देते हैं 2 से 3 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। मैं जो चिकन मैरिनेट की हुई थी वो डाल देंगे। चलो मैं पूरी डालती हूँ, ऊपर दिखाती हूँ। देखें स्पैगेटी बॉयल हो गई थी, मैंने इसको रिंस कर लिया ठंडे पानी से, अच्छी तरीके से रिंस करके इसको छान के रख दिया है ऊपर 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल लगा के। इसी के साथ इसको भूनते हैं। करके रख देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। देखते हैं चिकन को, ये देखें पानी छोड़ा है चिपके चिकन को, हो रही है अभी। देखें चिकन हो गई, अब इसमें डालूंगी मैं 1/2 टेबल स्पून ऑफ केचप। अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डाल लीजिएगा, मैं अपनी सास के लिए बना रही हूँ, उन्हें इतना नहीं पसंद तो मैं कम डालूंगी। चिली गार्लिक सॉस 1/2 टेबल स्पून जी। मेरे पास है होजन सॉस 1/2 टेबल स्पून, मैं ये मिक्स करूँगी उसमें। देखें ये रहा, ये मिक्स कर दूँगी अच्छी तरीके से, करते हैं मिक्स सारी चीज़ों को। फिर इसके बाद में जो है शिमला मिर्च और प्याज मिला देंगे, मिक्स कर लेते हैं। जो हमारी प्याज पास प्याज थी वो डाल देंगे सारी, शिमला मिर्च मिक्स कर देंगे। इस तरह मिक्स करते हैं इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर इसमें स्पैगेटी शामिल करेंगे अच्छी तरह, उसको इसमें मिक्स करते हैं ताकि सारे मसाले इसमें लग जाएं। स्पैगेटी मिक्स करते हैं इसमें, अब डालते हैं थोड़े से और मसाले। तो मैं इसमें मिलाऊँगी 1/2 टेबल स्पून ऑफ नमक, 1/2 टेबल बिल्कुल चुटकी के बराबर चिकन पाउडर, ये देखें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो आप ज़्यादा डाल लिएगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें जो हैं कम कम डाली हैं। आपको मिर्च 1/2 टेबल कुटी हुई मिर्चे, और थोड़ा सा और सोया सा। आपके पास सिरका, आप सिरका भी डालिएगा, मुझे सिरका नहीं डालना लेकिन सिरका ज़रूर डालिएगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। चलें अब इसे मिक्स करते हैं। मैंने इसको मिक्स किया, मैं थोड़ी सी काली मिर्च भी डालूंगी इसमें। ये देखें मैंने तो जो सब्ज़ियाँ यूज़ की हैं वो की हैं, आपको जो पसंद हो बंद गोभी और टमाटर भी डाल सकते हैं, मुझे टमाटर नहीं डालने थे, आप बंद गोभी भी डाल सकते हैं जो जो सब्ज़ियाँ आपको पसंद हो। काफ़ी चीज़ें वेरिएशन कर सकते हैं, मटर डालें, बंद गोभी डालें, टमाटर डालें, वो और अच्छा हो जाएगा। अगर किसी को इस तरीके से पसंद है सिंपल, आप ऐसे ही बना सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया है ताकि अगर सारे मसाले अच्छी तरह ना मिक्स हुए मैंने तो वो हो जाए पानी की वजह से, अच्छी तरीके से मिक्स करें इसको। और अब मैं इसको रख दूँगी कवर करके 5 मिनट के लिए, डन इज़ डन। देखें डन है, मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर से मिलाऊँगी पार्सल है, थोड़ा सा, इट्स ऑप्शनल, बिल्कुल थोड़ा सा डाला है मैंने खुशबू के लिए। अगर आपको अच्छा लगता हो डालिएगा, नहीं तो काफ़ी लोग जो है ऊपर से हरा धनिया डालते हैं, हम लोग नहीं डालते। मैंने ऊपर से थोड़ा सा पार्सल डाल दिया, बिल्कुल ना होने के बराबर ही डाला है, लेकिन इट्स खुशबू अच्छी आती है। देखें इट्स रेडी टू ईट, इन्जॉय। तो अब हम बना रहे हैं गोभी आलू की भुजिया। गोभी मैंने काट के रख ली है, 3 मैंने आलू ले ली है, थोड़ी सी हमें अदरक और लहसुन चाहिए है, और प्याज चाहिए। मैंने देखिए रख दिया गर्म होने के लिए
हाफ अ कप मैं इसमें मिला दूँगी ऑयल, इसमें डाल दूँगी प्याज, थोड़ा सा गर्म हो जाए जिसमें मैंने प्याज डाल दिया, इसको थोड़ी सी सौते करेंगे, फिर ये जो मैंने अदरक लहसुन रखा हुआ है काट के, फिर ये मिलाएंगे, इसको होने देते हैं थोड़ा सा ब्राउन। ये तो प्याज हो गई है, मैं डाल दूँगी जितना भी अदरक लहसुन है सारा, थोड़ा सा भूनते हैं मैं 1 टेबल स्पून भर के डाल दूंगी इसमें कुटी हुई मिर्चें हरी, और इतनी ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर नमक, आधा चम्मच नमक डालूंगी, ठीक है, यह है हाफ अ टेबल स्पून डाल देंगे नमक। अब डाल देंगे इसमें आलू, जो रखे हैं आलू डाल के भूनते हैं इसको, तो ये आलू कैसे ख़राब आ गया, हटाते हैं इसे ज़रा, आलू डाल दिया इसमें, भूनूंगी इसको थोड़ा सा, अगर आप लोग टमाटर अभी डालना हो अभी डाल देगा, लेकिन मैं टमाटर जब भी डालूंगी, जब मैं गोभी इसमें मिक्स करूंगी जब भी मैं टमाटर डालूंगी करूँगी थोड़ा सा। मैंने रख दिया दम पे, इसको देखते हैं 5 से 10 मिनट बाद, जब तक दूसरे फ्राई पैन में 2-3 टेबल स्पून डाल के मैं जो है गोभी थोड़ी सी फ्राई करते हैं। ये देखें 1 टेबल स्पून थोड़ी सी डाल लेगा अपने हिसाब से आप तेल, ये देखें इसको गर्म होने देते हैं, मेरे पास मेरी गोभी इसमें शामिल कर देंगे, ये पत्ते हटा देते हैं इसमें से, ऐसे नहीं डालने, आप लोगों को डालने हो तो पहले इसको कर लिएगा फ्राई, फिर थोड़ी देर उसको फ्राई करने के बाद फिर आप जो है वो भी डाल दिएगा। तो हमने मसाले में जो है 1/2 टेबल स्पून नमक शामिल किया था, अब जब ये गोभी करेंगे इसमें कर देंगे 1/2 टेबल स्पून डाल देंगे नमक, करते हैं इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे मेरे ख्याल से 5 मिनट के लिए, 5 से 10 है स्टफ जो है वो तेज़ करके तो भूनना थोड़ा सा 5 मिनट के लिए, देखना हो गया, अब इसमें मिक्स कर देंगे मसाले में और इसी के साथ जो है एक टमाटर डाल देंगे, भूनते हैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया, मैं इसमें ऐड करूँगी एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अब इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं और फिर इसको रख देंगे दम पे। हल्दी ऐड नहीं की मैंने, थोड़ी सी चुटकी भर हल्की हल्दी ऐड कर दूंगी, देखें अब मैं इसको रख रही हूँ दम पे, फिर देखते हैं इसको 10 मिनट बाद, देखते हैं इसको ऑलमोस्ट डन हो गई है, लेकिन अभी दम पे रख देंगे इसको हम जो है ऊपर से हरा धनिया और ये देखिए मेरे पास अदरक है, अदरक डाल देंगे इसमें थोड़ी सी और हरा धनिया डालते हैं, फिर मेरे पास फ्रोज़न हरा धनिया है, आप ताज़ा हो ताज़ा डालिएगा, इससे अच्छी क्या बात है, सारा मिक्स कर देंगे हरा धनिया, ये इसमें लगा हुआ है मैं इसको सही करता हूँ, ये भी डाल देते हैं सारा हरा धनिया, ये देखें थोड़ा सा मिलाऊंगी मैं इसमें गरम मसाला ज़रा सा चुटकी भर, चलो हम इसको दम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए, बस इस डन, देखें गोभी आलू इज़ डन, अब जब खाएंगे तो फिर आपको जो है सर्व करके दिखाते हैं। मैं एक रोटी ना देखें तो कमेंट में लाजमी बताइएगा किस किस के घर में बड़ी रोटी बनती है, हमारे घर में तो इतने साइज़ की रोटी बनती है। ये देखें एवरीथिंग इज़ डन, स्पैगेटी जो है वो कोई और खाएगा, मैंने कहा जब मैंने सब्ज़ी बनाई तो उसके साथ आपको रोटी भी दिखा दूँ, जब रोटी बनाई है तो ये रही चलें जी भुजिया इज़ डन टू, ये रही रोटी, तो चलें जी इजाज़त लेते हैं आपसे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़।